हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ना, वो कोई एक भाई साहब व्हाट्सएप में आई थिंक कंटिन्यू पूछे हैं मुझसे ये सवाल कि सर 70 mm का थ्रेड जो कटेगा उसका गियर कैलकुलेशन कैसे होगा। तो आज जो हम है ना 70 mm थ्रेड का गियर कैलकुलेशन सीखेंगे, देखते हैं कितना दूर तक यह संभव हो सकता है और मैं आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करूंगा। बस आप लोगों को इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा और क्लियरली समझना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ना, जो हम लोग का नॉर्मल फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, जो अक्सर मैंने अपने बहुत से वीडियो में बताया भी है आप लोगों को, सेम वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पहले देखिए। फॉर्मूला है हम लोग का 5PL/127। इसमें मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि जो 5 तो 5 है, P जो है हम लोग का पीच है और L जो है वो है लीड स्क्रू। ठीक है, P क्या है, पीच है और L क्या है, लीड स्क्रू है। ठीक है, अब यहां पर जो ड्राइंग बना हुआ है इसको आप लोग एक बार गौर से देखिए। हम लोग का जो पीच है वो 70 mm पीच भाई साहब ने पूछा था, जो भी कोई एक बंदे पूछने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग का लीड स्क्रू, तो जब लीड स्क्रू मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका जो लीड स्क्रू है वो है 2TPI, एक इंच में दो चूड़ी है उनका लीड स्क्रू। अब इस हिसाब से हम लोग को गियर खोजना है 70 mm का पीच काटने के लिए कितना संभव है। तो फॉर्मूला जैसा मैंने पुट ऑफ किया, अब फॉर्मूला में हम लोग पुट ऑफ करते हैं। तो देखिए इनपुट करने के बाद 5 × हम लोग का पीच कितना है 70 mm, लीड स्क्रू 2 127। ठीक है, अब यहां पर हम लोग, जाहिर सी बात है हम लोग तीन गियर में काट ही नहीं सकते हैं। कारण क्या है तीन गियर में नहीं काट सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोग का आ जा रहा है 700, यानी कि 700 127। क्या 700 का गियर हम लोग बना पाएंगे, अवेलेबल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि ये जो प्रोसेस है 700, ये है रॉन्ग। ठीक है, अब क्या हम लोग कर सकते हैं, चार गियर कर सकते हैं। चार गियर कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर अगर हम लोग कर देते हैं 10, ठीक है, × 70/127। अब यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर आएगा 1, आएगा या नहीं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई भी करते हैं, याद रखे ये मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि हम लोग को ऊपर नीचे बराबर मल्टीप्लाई करना होता है गियर एबिलिटी खोजने के लिए। तो पहला हम लोग का दो गियर तो मिल गया, ये एक ये एक, पहला दो गियर मिल गया जो लगाने वाले हैं। दूसरा दो गियर ये होगा, वो कैसे, 10/1 × अगर हम लोग 10 मल्टीप्लाई भी करते हैं ऊपर नीचे तो हम लोग का आता है 100/10। इसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते 100 के ऊपर। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि उसके ऊपर गियर होगा ही नहीं 127 के ऊपर में, है ना। तो यानी कि 10 का गियर क्या हम लोग लगा पाएंगे, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि 10 का गियर पहली बात तो होता ही नहीं है। अगर हम लोग कोशिश करके लगा भी ले तो वो प्रोसेस सही नहीं होगा, यानी कि हम लोग का ये प्रोसेस भी है रॉन्ग। ठीक है, ये प्रोसेस भी हम लोग का रॉन्ग है। तो आखिर प्रोसेस कौन सा सही हो सकता है, उस पर ध्यान देते हैं। एक चीज आप लोगों को बहुत जानने वाली चीज है, ध्यान रखें उस चीज का, कि हम लोग कभी भी जब देसी लेथ मशीन में वर्क करते हैं तो उसमें एक लीवर होता है। वो लीवर कैसा होता है वो पहले देखिए। जो लीवर होता है ये हो गया आपका लीवर, ठीक है, और लीवर के ऊपर में लिखा हुआ होता है ACB।
ये किस काम में आता है? तो ये काम में आता है, सपोज हम लोग को 2 mm का पिच काटना है, तो अगर हम लोग 2 mm के पिच के हिसाब से अगर लीवर लगाएंगे तो आपका वो कटेगा बी लीवर में, ठीक है। जो गियर अगर हम लोग 2 mm के पिच के हिसाब से लगाएंगे तो वो कटेगा बी लीवर में, और अगर उस लीवर को हम लोग सी में कर देंगे तो वो कटेगा 1 mm। अगर ये 2 mm का गियर हम लोग लगाए हैं और उसको सी में काटेंगे तो ये कटेगा 1 mm, ठीक है। और अगर उसी लीवर को हम लोग ए में लगा दे तो वो कटेगा 4 mm। बस यही ट्रिक हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। वो कैसे? हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पर जो 70 mm है ना, अगर 70 mm का गियर अगर हम लोग निकालते हैं तो वो किस में कटता? वो कटता बी लीवर में, कटता या नहीं? लेकिन अभी हम लोग जो काटेंगे वो डायरेक्टली हम लोग ए लीवर में काटेंगे, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है कुछ इस तरीका से कि 5 × हम लोग जो पीच का गियर निकालेंगे वो रहेगा 35, यानी कि 70 का आधा 35। ध्यान से समझिएगा, अब क्या है, लीड स्क्रू हम लोग का वैसा ही रहेगा डिवाइडेड बाय 127, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है हम लोग को कि ये जो 35 × 2 कितना हो जाता है, 35 × 2 = 70, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को यहां पर वैसा ही रखेंगे, ठीक है, और इनटू 70 डिवाइडेड बाय 127। यहां तक समझ गए? अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग इसको 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। अब क्या, पहला 2 गियर तो हम लोग का ये निकल गया है 70 का और 127 का। अब यहां पर क्या है कि जब हम लोग 5/1 है इनटू हम लोग इसको ऊपर नीचे 20-20 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना कितना 20-20, तो हम लोग का आ जाएगा 100/20। तो 20 का गियर अवेलेबल होता है या नहीं? बिल्कुल होता है, 20 का गियर हम लोग लगा सकते हैं। तो 100/20 × 70/127, यानी कि सबसे पहला जो हम लोग का जो गियर लगेगा ऊपर में वो लगेगा 100 का, ठीक है। अब क्या है, उसके नीचे जो गियर लगेगा वो रहेगा 20 का, ठीक है। अब इसमें जो सेट करके जो गियर चलेगा वो रहेगा 70 का यहां पर, ठीक है, और उसके नीचे जो गियर लगेगा वो रहेगा 127 का यहां पर, ठीक है। समझ गया ना गियर किस तरीके से लगेगा 70 mm का। अब ये तो कटेगा 35 का पीछे, 35 का हमने निकाला, तो इसे 70 कैसे कटेगा? सिंपल है, जैसा मैंने बताया, अगर ये 35 mm का पीच बी लीवर में कटता है तो अगर हम उसको लीवर को ए में कर दे तो वो कटेगा 70 का, अगर बी में 35 mm का पीच कटता है तो वो ए में 70 mm का पीच कटेगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये उठता है इस जगह कि क्या वो पीच को, उस गियर को लीड स्क्रू चला पाएगा, वो चक्के से चल पाएगा? तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा, आई थिंक वो 10 mm के आरपीएम में भी चलना मुश्किल हो जाएगा। तो वो चलेगा कैसे? वो चलेगा एक एक्सपीरियंस नॉलेजेबल व्यक्ति के अंडर, और वो चलेगा हाथ से, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं हम लोग मोटर को कस्टमाइज करके आरपीएम को बहुत ज्यादा स्लो कर दे तो वो चल सकता है। आई थिंक 10 के आरपीएम में भी अगर चले वो, तो फुल एक्सपीरियंस व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है अगर 70 mm पीच आप लोग काटते हो, ठीक है। ये था छोटा सा नॉलेज जो मेरे तक था और मैंने आप लोगों तक पहुंचाया है। आई थिंक ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, और उस व्यक्ति से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनका ये क्वेश्चन था, वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखे और एक अच्छा सा कमेंट कर दे। अगर अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करे, वरना कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी भाई लोग ये वीडियो में अगर कुछ समझना मुश्किल हुआ हो तो आप मुझे कॉमेंट करे, फेसबुक पेज है टेक्निकल अचीवमेंट के नाम से, आप उसे फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में,
तब तक इसको आप गौर से समझे, कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। लेकिन जाने से पहले मैं उन नए मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करके बेल आइकन नहीं प्रेस करोगे तो आप लोगों को अपडेट्स नहीं मिल पाएंगी। तो चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।